नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। 1 दिसंबर से कई बदलाव होंगे, जैसे एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव और आधार कार्ड अपडेट की समय सीमा बढ़ाना। साथ ही नए नियम लागू होंगे, मालदीव की डिपार्चर फीस बढ़ेगी और ATF कीमतें बदल सकती हैं। हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनकी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें रोजगार मैया सम्मान योजना के लिए बजट, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति, सरना धर्म कोड और आरक्षण का दायरा बढ़ाना शामिल है। चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। चेन्नई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और एयरलाइन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राहत कार्यों की समीक्षा की और प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय शुरू किए गए हैं। कोलकाता के JNRE अस्पताल ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया है। यह निर्णय बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार और भारत विरोधी भावनाओं के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध के रूप में लिया गया। अस्पताल ने अन्य स्वास्थ्य संस्थानों से भी यह कदम उठाने की अपील की। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के फैसले पर विवाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की अनुमति दी थी। आलोचक इसे धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षणों के लिए रास्ता खोलने वाला मानते हैं, जबकि हिंदू पक्ष इसे उचित ठहराता है, साइटिंग 1991 के कानून के प्रावधान। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं में विसंगतियों का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की है। आयोग ने अपनी प्रक्रिया पारदर्शी बताते हुए सभी मुद्दों का निराकरण किया। कांग्रेस ने EVM पर भी सवाल उठाया और जवाबदेही तय करने की बात की। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 30 नवंबर को कैनबरा में होने वाला वार्म अप मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। दूसरा दिन 50-50 ओवर के खेल के रूप में आयोजित किया जाएगा, ताकि पिंक बॉल टेस्ट की तैयारी पूरी हो सके। भारत ने पर्थ टेस्ट में 1-0 की बढ़त बनाई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट में यह दावा किया गया कि केंद्र सरकार 2024 में मुफ्त स्कूटी योजना शुरू कर रही है। हालांकि PIB फैक्ट चेक ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ऐसी कोई योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लोकसभा में बताया कि देश में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 1:811 है, जो WHO के मानक 1:1000 से बेहतर है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों और MBBS सीटों में वृद्धि की गई है और 22 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। जापान की एक कंपनी ने इंसानों को धोने वाली ह्यूमन वॉशिंग मशीन विकसित की है, जो महज 15 मिनट में व्यक्ति को धोकर सुखा सकती है। यह मशीन बुलबुले और सेंसर का इस्तेमाल करती है, जो शारीरिक और मानसिक राहत प्रदान करती है और थकान को कम करती है। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में शुक्रवार को नारेबाजी करती भीड़ ने 3 हिंदू मंदिरों पर हमला किया। इस हमले के बाद हिंसा और विरोध प्रदर्शन भड़क गए। बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया और 17 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों से सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का आग्रह किया है, ताकि संबंधित मौतों और मामलों की जानकारी अनिवार्य हो। 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों को आधा करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। भारत में सर्पदंश से होने वाली मौतें विश्व में सबसे अधिक हैं। भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए UN और EU ने विमेन एम्पावर इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य महिलाओं को वर्कफोर्स में अधिक शामिल करना है और उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस कार्यक्रम से भारत की महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। भारत ने अडानी ग्रुप के अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजन के आरोपों को एक कानूनी मामला बताया और कहा कि सरकार को अमेरिका से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है और इसमें अमेरिकी न्याय विभाग शामिल है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत 9 दिसंबर से होगी। पहले दिन विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, फिर 10 दिसंबर को अध्यक्ष का चुनाव और 11 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सरकार अनुपूरक बजट और अनुदान मांग भी रखेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर पांडे को वहां जाने से रोक दिया। DM ने नोटिस जारी कर 10 दिसंबर तक किसी बाहरी प्रतिनिधि के संभल जाने पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन की संसद ने इच्छा मृत्यु का विकल्प देने वाले विधेयक पर मुहर लगाई है। इस विधेयक के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित शून्य उम्मीद वाले रोगियों को इच्छा मृत्यु का विकल्प मिलेगा, लेकिन इसके लिए 2 डॉक्टरों और 1 न्यायाधीश की स्वीकृति आवश्यक होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भुवनेश्वर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और रोड शो किया। मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे झूठ और अफवाहों से देश को गुमराह कर रहे हैं और लोकतंत्र को नकारा जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन स्थल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान ने पीओके में आयोजन का प्रस्ताव रखा, जिसे बीसीसीआई ने स्वीकार किया है। बासित अली ने बीसीसीआई पर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी पर डाका डालने का आरोप लगाया है। आयोजन स्थल और हाइब्रिड मॉडल पर सहमति नहीं बन गई है। कैंसर मुक्त भारत अभियान के तहत भारत ने स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और उपचार के लिए एक निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 9599687085 शुरू किया है। महिलाएं विशेषज्ञों से कॉल या वीडियो पर परामर्श ले सकती हैं। इसके अलावा मैमोग्राफी परीक्षण पर 50% छूट भी दी जा रही है। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 बनाई है। इस नियमावली के तहत इन्फ्लुएंसर्स को सूचीबद्ध कर विज्ञापन प्रसारित करने का अवसर मिलेगा। इसमें फॉलोअर्स की संख्या और व्यूज के आधार पर 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। नियमावली में आपत्तिजनक सामग्री के लिए ब्लैक लिस्टिंग का भी प्रावधान है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रूस के रक्षा मंत्री आंद्री बेलोसोव से प्योंगयांग में मुलाकात की और यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में समर्थन व्यक्त किया। किम ने अमेरिकी और पश्चिमी हस्तक्षेप की निंदा करते हुए रूस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया। दोनों देशों के बीच रक्षा संधि भी है। आरएसएस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अपील की कि हिंदुओं पर अत्याचार रोका जाए और हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास को तुरंत रिहा किया जाए। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने बांग्लादेश में बढ़ते धार्मिक अत्याचारों की निंदा की और भारत से वैश्विक समर्थन की आवश्यकता जताई। इटली ने भारत में 6.5 अरब डॉलर का निवेश किया है और दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के अवसर हैं। विलागियो इटालिया प्रदर्शनी में इतालवी नौसेना के जहाज और भारतीय दर्शकों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। जेरी सीनफेल्ड दुनिया के सबसे अमीर कॉमेडियन है, जिनकी कुल संपत्ति $1.1 बिलियन है। उनका शो सीन फेल्ड आज भी करोड़ों की कमाई करता है और उनकी शानदार लाइफस्टाइल में 150 कारों का कलेक्शन और महंगी प्रॉपर्टीज शामिल हैं। शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद नेपाल प्रीमियर लीग 2024 में खेलने का फैसला किया है। वह कर्णाली याक्स टीम का हिस्सा होंगे। 30 नवंबर से शुरू होने वाली इस लीग में धवन एक बार फिर मैदान पर जलवा दिखाएंगे। ओडिशा में 10 दिनों तक चले सबसे बड़े आयकर अभियान में शराब निर्माता बौंध डिस्टिलरीज पर छापेमारी की गई, जिसमें 352 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। इस ऑपरेशन में स्कैनिंग मशीनों का उपयोग किया गया और नकदी गिनने के लिए 3 दर्जन मशीनें लगाई गई। शादियों के सीजन में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 22 कैरेट सोने का भाव 71,040 प्रति 10 ग्राम जबकि 24 कैरेट सोने का दाम 77,490 प्रति 10 ग्राम है। चांदी का भाव 89,400 प्रति किलो है। विशेषज्ञों के अनुसार कीमतों में वृद्धि की संभावना है। प्रियंका गांधी वायनाड उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने भाई राहुल गांधी के साथ संसदीय क्षेत्र पहुंचे। प्रियंका गांधी ने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का वादा किया, जबकि राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा, संविधान की अहमियत को बताया और बीजेपी की विचारधारा को हराने का विश्वास व्यक्त किया। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को नई सरकार बन सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री के पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रमुख है। महायुति गठबंधन ने 288 विधानसभा सीटों में से 236 सीटें जीती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सिर्फ 48 सीटों पर सिमट गया। फडणवीस, शिंदे और पवार ने अमित शाह से मुलाकात की और विभागों का बंटवारा तय किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अमरजीत, ओम शांति, ओम मोहम्मद, शाकिर हुसैन, रवि मोहन वर्मा, श्री राम प्रसाद, रामबाबू दास, अंकित कुमार और राकेश मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप अपनी छुट्टियों के दौरान किस जगह पर जाना पसंद करेंगे या पसंद करते हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।